सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी तरह मेहनत करते रहे दोस्तों, तो निश्चित ही हम लोग सफल जरूर होंगे दोस्तों। और मैंने कहा है कि अगर आपको कहीं भी समस्या हो दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है चाहे जब मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैंने इसलिए प्राइवेसी लगा दी दोस्तों क्योंकि जो है फालतू के मैसेज ज़्यादा आते थे दोस्तों। तो अब कुछ दिन में दोस्तों उसको भी सही किया जाएगा, जो लोग उसमें फालतू जुड़े हैं उनको उसमें से हटा दिया जाएगा दोस्तों। तो जब उनको हटा दिया जाएगा तब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों चलिए, हम लोगों की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल आपकी क्लास चली थी दोस्तों, कल आपकी तीनों क्लासेस चली थी, सुबह 10 बजे दोस्तों इंग्लिश की चली थी जो कि अभी चल रही है। उसके बाद दोस्तों 4 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चला था, ठीक। उसके बाद दोस्तों 7 बजे आपका रागा का क्वेश्चन, मतलब रागा बताया गया था, ठीक। ये तीन क्लासेस दोस्तों कल चली थी, आज आपकी उसी क्रम में अगली क्लास चलेगी 10 बजे वाली। और आज हम लोगों की दोस्तों तीसरी क्लास है, आज हम लोगों की तीसरी क्लास है दोस्तों। तो अगर आप पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट में आ जाइए और जय हिंद लिखिए एक बार जल्दी दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए। और दोस्तों इतना जय हिंद लिखिए कम से कम लगना चाहिए, देखता हूं कि एक या दो बच्चों का कमेंट आता है बस। तो एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों। हेलो अभी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुबीन, मोहित, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सर बहुत मजा आती है, कोई बात नहीं, मजा तो आएगी ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। और आप जो नहीं शेयर किया है, ईमानदारी से एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो हम लोगों का जैसा कि जानते हैं वही क्रम है, जो नए जुड़ रहे होंगे दोस्तों वो भी जान लें कि सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं। और रूल में आज आपके लिए क्या है दोस्तों, देखिए आज आपके लिए स्क्रीन पर आपकी लगा होगा दोस्तों कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसा कि हम हर बार करवाते हैं। वर्ड आपका लिखा हुआ है दोस्तों कंपैरेटिवली बेटर, पहला वर्ड है दोस्तों कंपैरेटिवली बेटर, रिलेटिवली बेटर, कजिन ब्रदर या सिस्टर, कम अक्रॉस विथ, विथ बैग एंड बैगेज, द रीजन डॉट डॉट बिकॉज, क्वाइट ऑल राइट, इक्वली एज डॉट डॉट एज, द इंग्लिश टीचर और लेक्चरशिप। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ड आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और याद रखिएगा मैंने कहा है दोस्तों कि आप केवल मेरे साथ पढ़ते चलिए और लिखते चलिए दोस्तों, नोट्स अपनी बनाते चलिए दोस्तों, नोट्स अपनी बनाते चलिए। मैं एक दिन क्विज करवाऊंगा दोस्तों और जिसकी सबसे अच्छी नोट्स रहेगी दोस्तों उसको पुरस्कृत किया जाएगा, जिसकी नोट्स सबसे अच्छी रहेगी दोस्तों उसको पुरस्कृत किया जाएगा, मेरी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा और उसकी फोटो या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से उसको डायरेक्ट ऑनलाइन आपके साथ सामने दिखाया जाएगा दोस्तों। तो नोट्स नंबर एक की बनाइएगा दोस्तों, नोट्स नंबर एक की बनाइएगा। आपको वर्ड दिख रहे होंगे दोस्तों, देखिए पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा कंपैरेटिवली बेटर। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, कंपैरेटिवली COMPERATIVLE दोस्तों, कंपैरेटिवली का मतलब ही होता है तुलना करना, तुलनात्मक। चाहे आप कंपैरेटिवली की बात करें दोस्तों और चाहे आप दूसरे वर्ड की बात करें रिलेटिवली। जी हाँ दोस्तों, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दोनों का मतलब होता है दोस्तों तुलनात्मक रूप से। जी हाँ दोस्तों, कंपैरेटिवली का मतलब भी होता है तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली का मतलब भी होता है तुलनात्मक रूप से। तो इन दोनों के साथ दोस्तों कभी भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री अर्थात बेटर का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, इसके साथ कभी भी बेटर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके साथ प्रयोग किसका किया जाता है दोस्तों, तो इसके साथ गुड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ हमेशा गुड का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंपैरेटिवली गुड,
या रिलेटिवली गुड होता है दोस्तों, तुलनात्मक रूप से अच्छा। इसका अर्थ जो होगा दोस्तों, तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है इसका अर्थ। तो कंपेरेटिवली गुड या रिलेटिवली गुड दोस्तों, अगर आपको कॉमन एरर में मिल जाए कंपेरेटिवली के साथ बेटर का प्रयोग, तो जान लीजिएगा कि जिस ऑप्शन में बेटर, जिस पार्ट में आपका बेटर होगा वही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जिस अगर आपको रिलेटिवली बेटर मिल जाता है दोस्तों, तो जिस पार्ट में बेटर रहेगा वही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसा तीसरा वर्ड आप देख रहे होंगे दोस्तों, तीसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है देखिएगा, उसी में तीसरा वर्ड लिखा है दोस्तों, कजिन ब्रदर या सिस्टर। जी हाँ दोस्तों, कजिन ब्रदर या सिस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, कजिन का मतलब ही होता है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन। कजिन केवल दोस्तों, कजिन का COUSIN, कजिन का मतलब ही होता है दोस्तों चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो इसके साथ दोस्तों ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर कजिन आपने लिख दिया तो इसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रदर या सिस्टर, मतलब कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। तो अगर कहीं पर कजिन ब्रदर लिखा है या कजिन सिस्टर लिखा है दोस्तों, तो जिस पार्ट में ये लिखा रहेगा वही पार्ट आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा है कम अक्रॉस विथ। जी हाँ दोस्तों, अगला देख रहे होंगे, अगला वर्ड आपका लिखा है कम अक्रॉस विथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए कम अक्रॉस विथ का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए सड़क क्रॉस कर रहे हो, ठीक, आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और सामने आपको आपके चाचा मिल जाएं, तो उसे कहते हैं कम अक्रॉस विथ, मतलब अचानक मुलाकात हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अचानक मिल जाना। तो दोस्तों कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिल जाना, तो कम अक्रॉस का मतलब ही होता है दोस्तों अचानक मिल जाना, तो इसके साथ विथ का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, कम अक्रॉस विथ, तो दोस्तों हमने बताया क्या कि कम अक्रॉस विथ का मतलब ही होता है दोस्तों अचानक मिल जाना, ठीक है। आवाज क्लियर है दोस्तों, एक बार कमेंट करिए सब लोग, आवाज क्लियर है। अगर क्लियर हो दोस्तों तो जय हिंद लिखकर मैसेज करिए दोस्तों, अगर आवाज क्लियर हो दोस्तों तो जय हिंद लिखकर मैसेज करिए। और याद रखिएगा कि अगर आपके लिए मैं पसीना बहा रहा हूँ दोस्तों, तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों शेयर करना। दोस्तों मैं देखता हूं कि फेसबुक पेज पर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मैं पोस्ट किया रहता हूं आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग उस पर शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे जो है हमारे प्रति लगे हुए हैं। हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे लिए मेहनत करें। और जैसा कि दोस्तों मैं कल देख रहा था रात वाली क्लास दोस्तों, रागा वाली क्लास देख रहा था, उसमें जो है ज़्यादा बच्चे उपस्थित नहीं थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 बच्चे देख रहे थे दोस्तों। तो देखिए आपके लिए ही ये बैच चल रही है दोस्तों, अगर आप रिस्पांस नहीं करेंगे तो फिर मुझको बैच बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों देखिए फ्री में मैं सारी बैचें, आप जानते होंगे दोस्तों सारी बैच आपकी फ्री चल रही है दोस्तों। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो उससे जो है दोस्तों देखिए अगर आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा अच्छा मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों। आज आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ अच्छा है कि नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करिए बताइए, मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है क्या जवाब देते हैं दोस्तों। कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि सही समझ में आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। ना समझ में आ रहा हो तो ये नहीं कि झूठे सर को मतलब बता दीजिए कि नहीं सर समझ में आ रहा है, अगर ना समझ में आ रहा हो दोस्तों बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं कमेंट का रिप्लाई, चूंकि देखिए बोल कर नहीं करता हूँ, आपको मैसेज में कमेंट का रिप्लाई मिलता होगा, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछेगा दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से उसको रिप्लाई जरूर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सुनते हैं, कम अक्रॉस विथ, अगर दोस्तों कहीं पर कम अक्रॉस विथ लिखा हुआ है तो याद रखिएगा कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिल जाना, तो इसके साथ विथ का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उसी क्रम में देखिए अगला लिखा हुआ है दोस्तों, विथ बैग एंड बैगेज। जी हाँ दोस्तों, लिखा हुआ है विथ बैग एंड बैगेज। जी हाँ दोस्तों, क्लास टेंथ में जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे दोस्तों, तो वहां पर एक जो है आपका आइडियम फ्रेज हुआ करता था बैग एंड बैगेज,
बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है दोस्तों बोरिया बिस्तरा सहित, तो विथ का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात अगर कहीं विथ बैग एंड बैगेज लिखा है तो जिस पोर्शन में विथ लिखा हुआ है वही पोर्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात विथ बैग एंड बैगेज नहीं होता दोस्तों, बैग एंड बैगेज होता है करेक्ट आपका। जैसा कि अगला लिखा हुआ है दोस्तों द रीजन डॉट डॉट बिकॉज, द रीजन डॉट डॉट बिकॉज, दोस्तों द रीजन का मतलब होता है कारण और बिकॉज का मतलब होता है क्यों, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों, तो दोनों कभी साथ नहीं आते हैं, याद रखिएगा द रीजन के साथ कभी बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह दोस्तों क्वाइट ऑल राइट, अगला देख रहे होंगे क्वाइट ऑल राइट लिखा हुआ है और क्वाइट और ऑल राइट कभी साथ नहीं रहता दोस्तों, क्वाइट ऑल राइट में क्वाइट और ऑल राइट कभी साथ नहीं रहता। अगला दोस्तों देख रहे होंगे इक्वली डॉट डॉट एज, इक्वली का मतलब ही होता है दोस्तों बराबर, और एज डॉट डॉट एज का मतलब होता है कि बराबर, दोनों का सेंस जो निकलता है दोस्तों बराबर ही निकलता है, तो इसीलिए चाहे आप इक्वली का प्रयोग करिए दोस्तों और चाहे आप एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करिए, लेकिन दोनों कभी साथ में प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखिए लिखा होगा द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज अध्यापक, द इंग्लिश का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज, चूंकि इंग्लिश तो आपकी अंग्रेजी है, लेकिन अगर किसी भाषा के पहले द लग जाए जैसे द हिंदू, द हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी होता है दोस्तों, तो उसी तरह द हिंदी, द हिंदू नहीं दोस्तों, द हिंदी, द हिंदी का मतलब होता है दोस्तों हिंदुस्तानी, उसी तरह द इंग्लिश का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज, तो द इंग्लिश टीचर का मतलब अंग्रेज अध्यापक होता है, तो इसलिए दोस्तों द इंग्लिश टीचर नहीं, ये होगा द इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का अध्यापक, द टीचर ऑफ इंग्लिश दोस्तों। जैसा कि लास्ट में आप देख रहे होंगे लेक्चर, लेक्चरशिप, जी हाँ दोस्तों लेक्चरशिप दिख रहा होगा दोस्तों आपको, लेक्चररशिप लिखा है दोस्तों, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, लेक्चररशिप लिखा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों लेक्चरशिप, लेक्चररशिप नहीं होता दोस्तों, लेक्चरशिप होता है ठीक। तो ये था आज का वर्ड दोस्तों, और चलिए हम लोग चलते हैं एरर पर, चलिए हम लोग एरर पर चलते हैं दोस्तों, और आप लोग बताइएगा दोस्तों कि इसमें क्या होगा। जी हाँ दोस्तों पहला और दूसरा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, पहला और दूसरा एरर आपकी स्क्रीन पर लगा है, बताइए कि पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों पहला लिखा हुआ है द पेशेंट इज कंफर्टेबली बेटर टूडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून। जी हाँ दोस्तों द पेशेंट मतलब कि पेशेंट, द पेशेंट मतलब मरीज, इज माने है कंफर्टेबली बेटर टूडे, कंफर्टेबली बेटर मतलब कि पहले से अच्छा या तुलनात्मक रूप से अच्छा है, टूडे मतलब आज, एंड माने और आई होप मतलब मैं आशा करता हूं, दैट माने कि ही विल रिकवर सून, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों मतलब कि पेशेंट तुलनात्मक रूप से आज अच्छा है और मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें बताइए दोस्तों गलत क्या है। जी हाँ दोस्तों इसमें आप लोग बताइए दोस्तों गलत क्या है। तो मैं देख रहा हूं अभी का सही जवाब आ रहा है और नवीन का सही जवाब आ रहा है, नमन का भी सही जवाब आ रहा है, आशीष का भी सही जवाब आ रहा है, आप सब देख रहा हूं मैं दोस्तों सबका सही जवाब आ रहा है। दोस्तों एक चीज और कि अगर मैं आपका नाम ना ले पाऊं दोस्तों तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि नाम एक ना एक दिन जरूर आपका लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है सही जवाब आ रहा है अर्थात कंफर्टेबली के साथ दोस्तों बेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात पहले में जो आपका एरर है दोस्तों ए पार्ट में है। उसी तरह दूसरा देख रहे हैं दोस्तों द कंडीशन ऑफ द दिस पेशेंट, द कंडीशन मतलब स्थित, ऑफ दिस पेशेंट मतलब इस मरीज की, इस मरीज की स्थिति, आगे लिखा है दोस्तों इज माने है रिलेटिवली बेटर, तुलनात्मक रूप से अच्छी, मतलब इस मरीज की कंडीशन या इस मरीज की हालत पहले की अपेक्षा अच्छी है। आगे देखिए दोस्तों सो माने इसलिए, वी आर हैप्पी नाउ, इसलिए हम प्रसन्न हैं, हम अब प्रसन्न हैं। जी हाँ दोस्तों तो इसमें आपको एरर बताना है दोस्तों, और मैंने कहा दोस्तों चाहे आप कंपेरेटिवली बेटर हो चाहे आप रिलेटिवली बेटर हो, दोनों की जहां पे दोस्तों बेटर का प्रयोग नहीं किया जाता गुड का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए जो एरर है दोस्तों दूसरे वाले में बी पार्ट में एरर है। जी हाँ दोस्तों आगे देखिए दोस्तों तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा कह रहा है ए कजिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक
टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें एरर बताना है दोस्तों, और चूंकि देख रहे होंगे आप पहले पार्ट में ही क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कजिन सिस्टर लिखा हुआ है, और मैंने बताया क्या दोस्तों कि कभी भी कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है दोस्तों चचेरा बहन या चचेरी चचेरी बहन या चचेरा भाई दोस्तों। तो इसलिए इसके साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। मजा आ रही हो तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, और इसको शेयर करिए दोस्तों, 50 पार करिए दोस्तों, आज आपको 50 पार करवाना है दोस्तों। देख रहा हूं मैं दोस्तों केवल 17 लोग देख रहे हैं दोस्तों, और आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों इसको 50 पार करवाइए दोस्तों। आप कर सकते हैं और आप करेंगे दोस्तों, अगर आप 50 पार नहीं करेंगे दोस्तों तो अगला नहीं लगाऊंगा। चौथा लगा है दोस्तों, चौथा देख रहे होंगे, तीसरा चौथा, अगर आप 50 पार नहीं करेंगे दोस्तों तो पांचवा छठवा नहीं लगाऊंगा, पक्का पांचवा छठवा नहीं लगाऊंगा दोस्तों। आप 50 पार करिए दोस्तों, शेयर करिए, 50 पार करिए चाहे जैसे दोस्तों। देखते हैं चौथा देख रहे हैं, लिखा है इन कानपुर ही कम अक्रॉस विथ मेनी ऑफ हिज फ्रेंड। इन कानपुर मतलब कानपुर में ही कम अक्रॉस विथ, मतलब ही माने वह, कम अक्रॉस विथ मतलब अचानक मिल गया, मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स बहुत से में, उसके मतलब बहुत से मित्रों में कुछ लोग मिल गए, हु माने जो हैड सेटल्ड देयर, जो वहां पर सेटल थे या जो वहां पर रहते थे दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों गलत क्या है, तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों और बताइए कि इसमें गलत क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसमें क्या गलत है दोस्तों। देख लीजिए, आपके लिए दोस्तों पसीना बह रहा है, और आप जो है इस पसीने की कीमत नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। जय हिंद लिखिए दोस्तों और शेयर करिए, और बताइए कि इसका क्या होगा चौथे का दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कि इसमें एरर कहां पे है दोस्तों। तो देख रहा हूं दोस्तों सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। इसका जो चौथे का सही जवाब हो जाएगा, कम एक्रॉस के साथ दोस्तों विथ का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात कम एक्रॉस ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा दोस्तों, पांचवा और छठवा, कह रहा है दोस्तों द मैन वाज फेड अप विथ हिज मिजरेबल कंडीशन सो ही लेफ्ट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज। जी हाँ दोस्तों, द मैन वाज फेड अप विथ हिज मिजरेबल कंडीशन सो ही लेफ्ट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज दोस्तों। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। पांचवा और छठवा आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। छठवा लिखा है दोस्तों द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले पचोए का बताइए, और पचोए में हमने बताया दोस्तों बैग एंड बैगेज के साथ कभी विथ का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है दोस्तों बोरिया बिस्तरा के साथ, तो विथ का मतलब भी होता है साथ, तो इसलिए बोरिया बिस्तरा के साथ साथ नहीं होगा दोस्तों, केवल बैग एंड बैगेज होगा। अर्थात इसमें जो एरर है दोस्तों वो आपका किस पार्ट में एरर है, इसमें जो एरर है दोस्तों वो आपके पार्ट सी में एरर है। और छठवा दिख रहा है द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज, तो देख रहे होंगे दोस्तों मैंने कहा कि द रीजन डॉट डॉट बिकॉज अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो द रीजन डॉट डॉट बिकॉज नहीं होता, द रीजन डॉट डॉट डाइट होता है दोस्तों। तो जहां पे ये बिकॉज लिखा हुआ है वहां पे डाइट हो जाएगा, अर्थात दोस्तों इसका जो मतलब कि गलत पार्ट है वो बी में गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रॉन्ग पार्ट है दोस्तों वो बी में रॉन्ग होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आज का हम लोगों का जो रूल दो है, और रूल दो में हम लोग चूंकि नाउन का पढ़ रहे हैं दोस्तों, कल भी हमने पढ़ा था, अगर कल वाली क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों कल वाली क्लास देख लीजिएगा, और दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, दोस्तों नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों जय हिंद लिखिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउन। तो नाउन का जो दूसरा रूल है दोस्तों, नाउन का जो दूसरा रूल है वो ये है कि कुछ नाउन होते हैं दोस्तों, मैं एक बार नाउन की परिभाषा फिर से बता देता हूं दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सभी नाउन है दोस्तों। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों तो वो नाउन है, चाहे स्थान हो, चाहे नाम हो, चाहे कोई वस्तु, चाहे जो चीज हो, अगर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अगर आप किसी चीज को फील कर रहे हैं दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अर्थात कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो दोस्तों, वो सभी क्या है दोस्तों, नाउन है। तो देखिए दोस्तों
चलिए देखते हैं, अर्थात दूसरा रूल कि कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं और वही प्लूरल दिखते भी हैं, मतलब कुछ नाउन बहुवचन दिखते हैं और बहुवचन ही होते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे क्या है देखिएगा, सराउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों सराउंडिंग्स। तो दोस्तों सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर, और अगर कहीं पर दोस्तों सराउंडिंग्स लिखा है तो ये नहीं कि इसमें यस नहीं हटेगा दोस्तों, इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो लिखी जाएगी दोस्तों, ये भी आपकी प्लूरल ही रहेगी, मतलब इसके साथ बहुवचन की ही सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी दोस्तों। या फिर जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दोस्तों भिक्षा। क्या होता है दोस्तों आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। आपके उसमें देखिए जो लिखा हुआ है दोस्तों, उसमें हिंदी भी लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उसमें हिंदी भी लिखी हुई है। क्या लिखा है देखिएगा, मैं पढ़ देता हूं एक बार। लिखा है सराउंडिंग्स, आर्म्स, थैंक्स, क्रेडेंटियल्स, असेट्स, एनल्स, एनल्स मतलब होता है वार्षिक दोस्तों, स्पिरिट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जितने भी पहनने वाली चीज है, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, सॉक्स हो गया, सूट्स हो गया, ब्रीचेस हो गया, पैजामास हो गया, गूगल्स हो गया, गूगल्स, आप लोग सोच रहे हो गूगल, गूगल नहीं है दोस्तों, गूगल्स है, और गूगल्स का मतलब दोस्तों चश्मा होता है। जी हाँ दोस्तों, गूगल्स का मतलब चश्मा होता है दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों स्पेक्टेकल्स, एस पी ई सी टी, एक बार मैं देख लेता हूं दोस्तों, एस पी ई सी टी ए सी एल Yes, स्पेक्टेकल्स, और स्पेक्टेकल्स मतलब भी दोस्तों होता है चश्मा। स्पेक्टेकल मतलब दृश्य, लेकिन स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा दोस्तों। अगर भी यही यस हटा दे, अर्थात अगर कहीं इस तरह लिख दिया जाए दोस्तों, तो ये आपका दृश्य है। क्या है दोस्तों, ये दृश्य है ठीक, और ये चश्मा है। दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा दोस्तों। अगर स्पेक्टेकल लिखा है दोस्तों तो भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं दोस्तों, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, आपकी स्क्रीन पर सारा दिख रहा होगा दोस्तों स्पेक्ट, देख लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों, आप पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्पेक्टेकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्म्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अगला लिख लीजिए एनल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोसीड्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप टिक कर लीजिए, टिक करने का मतलब इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और वहीं आपका सॉक्स और मतलब जितनी भी पहनने वाली चीजें हैं वो सभी आपकी प्लूरल में रहेंगी ही दोस्तों। चलिए मैं लिखता हूँ, वर्ड लिख रहा था दोस्तों, और वर्ड आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ, आई कुड सी द स्पेक्टेकल, आई कुड सी द स्पेक्टेकल्स, आई माने मैं, कुड माने सकता हूं, सी माने देख, द स्पेक्टेकल मतलब दृश्य को, मैं दृश्य को देख सकता हूं, विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्टेकल्स ठीक, चश्मे की मदद से। जी हां दोस्तों, मैं चश्मे की मदद से दृश्य को देख सकता हूं, या फिर आई कुड सी द स्पेक्टेकल, मैं दृश्य को देख सकता हूं विथ द हेल्प ऑफ, और यहां पर दोस्तों स्पेक्टेकल ना करके ऑफ माई बाइनोकुलर ठीक, बाइनोकुलर। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको एरर बतानी है, और जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा था अभी, अब नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, जो आपको वर्ड दिखा था उसमें एक वर्ड था दोस्तों बाइनोकुलर्स, और बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है बाइनोकुलर्स का मतलब होता है क्या, दूरदर्शी या फिर दूरबीन। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दोस्तों दूरबीन ठीक, बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दोस्तों दूरबीन। तो एरर कैसे देंगे दोस्तों, एरर कैसे देंगे सुनिएगा, ये यस हटा देंगे दोस्तों, ये यस हटा देंगे तो आप लोग समझेंगे कि बाइनोकुलर अर्थात सही है, लेकिन दोस्तों यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे यस होगा, या फिर एरर क्या देंगे दोस्तों, यहां पर यस लगा देंगे, मतलब आई कुड सी द स्पेक्टेकल्स, आई माने मैं, कुड सी माने देख सकता हूं, द स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, मैं चश्मा देख सकता हूं
विथ द हेल्प ऑफ माय बाइनोकुलर्स, मतलब मैं अपनी दूरबीन से चश्मा देख सकता हूँ, मतलब दूरबीन से अगर देखोगे तो चश्मा देखोगे दोस्तों। तो वही चीज है, अर्थात स्पेक्टेकल मतलब होता है दोस्तों दृश्य, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों दृश्य होता है, और बाइनोकुलर मतलब दूरबीन होती है दोस्तों, और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है दोस्तों चश्मा। ठीक, तो अगर कहीं दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिए, अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से अंगूठा उठाइए दोस्तों, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो अंगूठा ऊपर रहना चाहिए दोस्तों, और जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए मोहित, जय हिंद अभी, जय हिंद नीरज, जय हिंद, जय हिंद सभी को, सभी को जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, जी हाँ दोस्तों। बताइए दोस्तों इसमें एरर क्या है, इसमें दोस्तों बताइए कि एरर कहां पे है। अगर मैं डिवाइड करूं दोस्तों, ये हो गया ए, चलिए दोस्तों ए और बी, मैंने दो ही पार्ट बना दिया दोस्तों, ए और पी दोनों, ए और बी दोनों बताइए दोस्तों एरर कहां पे होगी, दोनों बताइए दोस्तों एरर कहां पे होगी, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, बताइए कि दोनों में एरर कहां पर होगी, ए में एरर है कि बी में एरर है, बी 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 बी, सही कहा दोस्तों आपने। अर्थात दोस्तों कांग्रेचुलेशन नहीं होता है, होता क्या है दोस्तों कांग्रेचुलेशंस होता है, अर्थात कांग्रेचुलेशंस होता है दोस्तों। तो जो एरर है दोस्तों वो किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, अर्थात जितने भी वर्ड हमने लिखे दोस्तों इसके साथ हमेशा हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी, और वर्ड भी आपके क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ठीक, तो ये था दोस्तों रूल, अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं और अपने ओ डब्ल्यू एस पर चलते हैं, जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों ओ डब्ल्यू एस पर चलते हैं, तब तक एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, हम तुरंत आते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, पानी पी लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आप लोग एक बार जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ओ डब्ल्यू एस, अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हां दोस्तों। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, देखिए आगे उसी के, अगर आप लोग दोस्तों फर्स्ट डे वाली क्लास देखे होंगे तो ये बता सकते हैं, हम लोग ओ डब्ल्यू एस पढ़ रहे हैं दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, देखिए क्या लिखा है दोस्तों, बोविसाइड लिखा है, और हमने कहा था दोस्तों कि अगर किसी वर्ड में, किसी वर्ड में आपको दोस्तों साइड मिल जाए तो साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या, क्या होता है दोस्तों हत्या, साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या। और देखिए अगर जो है बोवी लिखा है तो बोवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोवी का मतलब होता है पशु, ठीक, बोवी का मतलब होता है पशु, और एवी का मतलब होता है पक्षी, जैसे पहले वाले में हमने देखा था दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ा था एवी साइड, और एवी साइड का मतलब होता है दोस्तों पक्षी की हत्या, उसी तरह दोस्तों बोविसाइड का मतलब होता है दोस्तों पशु हत्या, जी हां दोस्तों। ठीक, बोविसाइड का मतलब होता है दोस्तों पशु हत्या, मतलब क्या हुआ दोस्तों, किलिंग ऑफ काऊ, जी हां दोस्तों, किलिंग ऑफ ए काऊ, एक गाय की हत्या या काऊ, ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात दोस्तों बोविसाइड का मतलब होता है पशु हत्या। अगर किसी वाक्य में, किसी वर्ड में लास्ट में आपको साइड मिल जाए, आपको रूट वर्ड, एक ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों रूट वर्ड, तो दोस्तों दो टॉपिक, एक आपका कंडीशनल सेंटेंस, एक आपका रूट वर्ड, एक आपका प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक, ये तीनों जो है एक वीडियो में मैं बताऊंगा, किसी दिन आपको वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपकी जो है जब चलनी होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक, स्पेशल में, इंग्लिश स्पेशल में मैं दोस्तों लेकर आऊंगा, ग्रामर के पीछे परेशान मत होइएगा दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, ग्रामर और वोकैब अर्थात इंग्लिश पूरी मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों,
इंग्लिश आपकी पूरी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एक क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक। चाहे केवल आप एयरफोर्स की नहीं, अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों तो ये सारे वर्ड आपको वहां मिलेंगे। याद रखिएगा, कोई भी एसएससी का पुराना पेपर उठा लीजिए, देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको इसमें के वर्ड ना मिले तो बताइएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। अर्थात अगर आपको साइड मिल जाए, सी आई डी ई साइड, साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या। मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब होता, मैट्री मतलब होता है माता, और साइड का मतलब हत्या, माता की हत्या, मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, पा पा बोल रहा हूं, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, पैट्री मतलब होता है पिता और साइड मतलब हत्या। उसी तरह दोस्तों फिलीसाइड, एफ आई एल आई, फिलीसाइड मतलब होता है दोस्तों बच्चों की हत्या। सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड, एस ओ आर आई आर वाई, सोरोरीसाइड दोस्तों, ठीक। उसी तरह देखिए होमोसाइड, होमो का मतलब होता है नर या मानव, साइड मतलब होता है दोस्तों हत्या। जब इन सभी हत्याओं से आदमी परेशान हो जाता है ना दोस्तों, तो अंत में कर लेता है सुइसाइड, स्वयं की हत्या। सुई मतलब स्वयं, साइड मतलब हत्या, अर्थात स्वयं की हत्या। आगे चलते हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों दूसरा वर्ड, ये पहला वर्ड था एरोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, ए ई आर ओ पी एच ओ वी आई ए। जी हाँ दोस्तों, अगर पहला आप देखे होंगे दोस्तों तो उसमें हमने बताया था, उसमें क्या बताया था, उसमें दोस्तों हमने बताया था साइबर फोबिया। बताइए दोस्तों, अगर अगर आप इसका बता देंगे साइबर फोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं जान जाऊंगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो मुझे थोड़ा निराशा होगी कि बताइए मैं बताता हूं और आप लोग मेहनत नहीं करते दोस्तों। इसका बताइए दोस्तों साइबर फोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, बताइए साइबर फोबिया का मतलब क्या होता है। अभी तक दोस्तों किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों, बताइए साइबर फोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों। केवल एक बच्चा अभी अभी केवल सही जवाब दिया है दोस्तों, अभी का केवल सही जवाब आया है दोस्तों। साइबर फोबिया का मतलब होता है दोस्तों, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर, और फोबिया का मतलब होता है दोस्तों डर, अर्थात कंप्यूटर का भय। कंप्यूटर का भय जो होता है दोस्तों साइबर फोबिया के अंतर्गत आता है। उसी तरह एरो, एरो का मतलब होता है ऊंचाई या हवाई यात्रा, हवाई यात्रा दोस्तों, क्या एरोप्लेन आप सुने होंगे दोस्तों, तो एरो का मतलब होता है हवाई यात्रा, और फोबिया का मतलब होता है भय, अर्थात हवाई यात्रा का जो भय होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, एरोफोबिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एरोफोबिया का मतलब होता है हवाई यात्रा का भय। आगे देखिए दोस्तों, अर्थात दोस्तों एरोफोबिया हवाई यात्रा का भय, तो फियर ऑफ, फियर ऑफ एयर ट्रेवल। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ एयर ट्रेवल, हवाई यात्रा का भय। आगे दोस्तों देखते हैं तीसरा वर्ड, और तीसरा वर्ड दोस्तों क्या है, ओलीगार्की, ओ एल आई जी ए आर सी एच वाई। जी हाँ दोस्तों, आर्की, आर्की, आर्की अगर कहीं पर मिल जाए दोस्तों तो आर्की का मतलब होता है तंत्र या शासन। जी हाँ दोस्तों, आर्की का मतलब होता है दोस्तों तंत्र या शासन। मोनार्की, मोनो प्लस आर्की, एम ओ एन ओ मोनो ए आर सी एच वाई आर्की, मोनार्की मतलब होता है दोस्तों एक व्यक्ति का शासन। उसी तरह दोस्तों देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है जनता का शासन। तो दोस्तों ओलीगार्की और ओलीगार्की का मतलब होता है दोस्तों अल्पतंत्र। जी हां दोस्तों, ओलीगार्की, ओलीगार्की का मतलब होता है दोस्तों अल्पतंत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर मजा आ रही है दोस्तों तो तुरंत जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रही हो दोस्तों जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, इतना जय हिंद आना चाहिए कि हमको मजा आ जाए दोस्तों, इतना जय हिंद आना चाहिए दोस्तों कि हमको मजा आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ओलीगार्की का मतलब होता है क्या, अल्पतंत्र, मतलब कि छोटे या कम व्यक्तियों का जो शासन होता है दोस्तों उसे कहते हैं ओलीगार्की। जी हाँ दोस्तों, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, मतलब ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का छोटा समूह हो जो क्या करें, कंट्री को कंट्रोल करें, उसे कहते हैं दोस्तों ओलीगार्की या फिर अल्पतंत्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे दोस्तों चलते हैं किस पे, आईपी पे। आगे दोस्तों चलते हैं हम आईपी पे, और आईपी क्या है, आईपी का मतलब है दोस्तों एडम एंड फ्रेजेस, और एडम एंड फ्रेजेस में पहला आप देखिए बियर द बर्नट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, बियर द
बर्न ऑफ, बियर द बर्न ऑफ मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम का सामना करना, कठिन परिश्रम का सामना करना। दोस्तों यहां पर हो सकता है कम दिख रहा हो, याद रख लीजिएगा बियर द बर्न ऑफ मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम का सामना करना। मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए दोस्तों, बियर द बर्न ऑफ मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम का सामना करना। जी हां दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टू बियर द मैन शॉक ऑफ, टू बियर मतलब सहन करना, द मैन मतलब आदमी को, शॉक ऑफ, शॉक कहते नहीं है देख, कहते हैं शॉक लग गया उनको, शॉक लग गया मतलब कि झटका लग गया दोस्तों। तो वही चीज है कि टू बियर द मैन शॉक ऑफ मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कठिन परिश्रम का सामना करना। जी हां दोस्तों, तो बियर द बर्न ऑफ मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम का सामना करना। देवेश कह रहे हैं सर दोस्तों कि जो है सर एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं करवाते हैं। देवेश आप परेशान मत होइए, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी मैराथन क्लास लेकर आऊंगा और एक दिन में 50 एंटोनेम करवा दूंगा दोस्तों, एक दिन में 50 एंटोनेम करवा दूंगा। क्योंकि देखिए एंटोनेम और सिनोनेम में दोस्तों कुछ समझाने का नहीं रहता है, उसमें याद करने का रहता है, उसमें जितना आप याद करेंगे उतना होगा। ठीक, तो आपके पास कोई भी बुक हो दोस्तों एयरफोर्स की, अगर कोई भी बुक खरीदे हो, चाहे जो बुक खरीद लीजिए, आप कोई एक बुक खरीद लीजिए, एंटोनेम सिनोनेम पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक, बाकी और सारी चीजें मैं करवा दूंगा दोस्तों, एंटोनिम सिनोनिम भी करवा दूंगा। वो उसको तो केवल ये है कि जैसे परीक्षा की डेट आ जाएगी तो उसके 10 दिन पहले से करवाना शुरू कर दूंगा दोस्तों, अभी से आप याद करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। ये सब है, ये सब भूलेगा नहीं दोस्तों। बियर मतलब कि धारण करना, सहन करना, द बर्न मतलब जलना, अर्थात जलन को सहन करना। जलन को सहन करने मतलब क्या हुआ दोस्तों, कठिन परिश्रम का सामना करना। तो ये सब ऐसा बता दूंगा दोस्तों, इसमें समझाने वाला है इसलिए समझा देता हूं। अब एंटोनिम सिनोनिम में क्या समझाऊंगा बताइए, तो इसलिए जो है उसको केवल आपकी सीरीज लेकर आऊंगा और उसमें जो है आपको बता दूंगा ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा ब्लैक हैंड। जी हां दोस्तों, काला हाथ। ब्लैक हैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा ब्लैक हैंड का मतलब होता है दोस्तों कानून विरुद्ध। जी हां दोस्तों, ब्लैक हैंड मतलब होता है दोस्तों कानून विरुद्ध, अर्थात अगर आप कानून के खिलाफ कोई काम करते हैं दोस्तों तो वही ब्लैक हैंड कहलाता है। और ब्लैक हैंड का मतलब दोस्तों क्या हुआ, कानून विरुद्ध हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों मतलब क्या हुआ, लॉलेस। जी हाँ, LAWLESS, लॉलेस, LAW लॉ, लॉ मतलब होता है नियम, और लेस मतलब कि नियम के खिलाफ, या फिर जिसको बोलते हैं क्रिमिनल दोस्तों। ठीक, तो लॉलेस मतलब क्या होता है दोस्तों, नियम के खिलाफ। आगे चलते हैं तीसरा दोस्तों, ब्लू इन द फेस। जी हां दोस्तों, ब्लू माने नीला, इन द फेस मतलब चेहरा, मतलब चेहरा नीला हो जाना दोस्तों। चेहरा नीला हो जाने का मतलब थक जाना दोस्तों, चेहरा नीला हो जाना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, थक जाना। अगर आप थक जाए तो क्या कह दीजिए, ब्लू इन द फेस हो गए यार। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है दोस्तों थक जाना, टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्ट फ्रॉम एंगर। जी हाँ दोस्तों, या फिर स्ट्रेन और अदर ग्रेट। जी हाँ दोस्तों, चाहे जो लिख लीजिए, एग्जॉस्टेड लिख लीजिए, एग्जॉस्टेड EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर। जी हाँ दोस्तों, एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्लू इन द फेस। और आज का आगे देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी वर्ड है अगेंस्ट द क्लॉक। जी हां दोस्तों, अगेंस्ट मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध, अगेंस्ट द क्लॉक। जी हां दोस्तों, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, द क्लॉक मतलब घड़ी के, घड़ी के खिलाफ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब कोई भी कार्य अंतिम समय से पहले पूरा करना, अंतिम समय से पहले पूरा करना। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अंतिम समय से पहले पूरा करना, टू डू ए जॉब फास्ट टू फिनिश। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कार्य को अंतिम समय से अगर आप पहले पूरा कर लीजिए दोस्तों तो उसे ही कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। तो दोस्तों मजा आई है दोस्तों, तो जय हिंद, जल्दी से लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों। और देखिए आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, बेईमानी है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, ये बेईमानी है, लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। तो जल्दी दोस्तों
एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, उसके बाद फिर मैं विदा लेता हूं दोस्तों। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करिएगा, बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी थी। ठीक, अगर मैं आप इतना परेशान होता हूं दोस्तों, देख लीजिए ये पसीना देखिए दिख रहा है ना, तो पसीना अगर आपके लिए निकाल रहा हूं दोस्तों तो आपको फायदा होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे पसीने का क्या मतलब रह जाएगा बताइए। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसी थी, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।